शादियां तो आपने कई देखी होंगी, मगर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जिस तरह से शादी हुई वैसी शायद ही आपने देखी हो। यहां पुलिस स्टेशन मंडप बन गया और पुलिसकर्मी बाराती। इस मामले में पुलिसकर्मियों ने दूल्हा दुल्हन के विवाद को सुलझाते हुए दोनों के जयमाल की रस्म थाने में करवाई। दरअसल शादी से पहले वर वधु पक्ष में विवाद के बाद दूल्हा दुल्हन थाने पहुँच गए। इसके बाद थाने में तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की बारिश के बीच जयमाल की रस्म अदा कराई गयी। दरअसल कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके से कन्नौज के छिबरा मऊ में एक बारात पहुंची थी। दिन भर बारातियों की अच्छे से आवाभगत की गई। इसके बाद द्वारचार के समय जब बारात लड़की पक्ष के घर पहुंची, तो बच्चों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बारातियों में से किसी एक ने दुल्हन की बुआ को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद लड़की वालों ने शादी करने से मना कर दिया। विवाद बढ़ता देख कर मौके पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन विवाद नहीं सुलझने पर दोनों पक्ष के लोग थाने पहुँच गए। वहाँ पुलिस की पहल से 2-3 घंटे की पंचायत के बाद आखिरकार किसी तरह मामला सुलझा। मीडिया की मौजूदगी में थाने में ही वर और वधु ने एक दूसरे को जयमाल पहनाया और विदाई का सुखद अंत और विवाद का सुखद अंत हुआ।